नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गई आज का राशिफल लेकर। आज 7 जुलाई है अर्थात शनिवार। चलिए देख लेते हैं आज का दिन आपको कैसा रहेगा। गुड मॉर्निंग। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है और उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आते हैं आज का राशिफल में। 12 राशि है, आप तो जानते ही हैं। तो उसका सबसे पहला राशि जो है वो है मेष राशि। तो मेष राशि का जो जातक जातिकाएं हैं उसके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, शुभ है। आप जो जो काम आपका पेंडिंग है सब काम आज हो जाएगा। परिवारों में शांति बजाय रहेगा। अपना शरीर में ध्यान दीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपको आज अर्थदंड मिलने वाला है। अर्थदंड मिल सकता है, मतलब आप अगर किसी को उधार देंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और आप अगर कुछ भारी रकम आज के दिन खरीदेंगे तो उस पर भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आपका नुकसान का संभावना है। तो थोड़ा ध्यान में रखिए ये बात। आते हैं कर्कट राशि अर्थात कैंसर। कैंसर राशि, कर्कट राशि के लिए आज का दिन सुबह सुबह मिश्र फल है, अर्थात अच्छा बुरा सब मिला के होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपका वाणी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके आपका जो परिवार है आपके साथ थोड़ा कलह, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पत्नी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने वाणी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट राशि, जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन सुबह सुबह मिश्र फलदायक है। लेकिन आप अगर बिजनेसमैन है तो आपके लिए ये दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो भी काम आप करेंगे उन पर आपका लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट राशि, लियो अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आप जो भी कुछ खाएंगे थोड़ा ध्यान से, ध्यानपूर्वक भोजन लीजिए, क्योंकि भोजन से आपको संक्रमण हो सकता है आज के दिन। तो भोजन लेने के वक्त आप थोड़ा ध्यानपूर्वक भोजन लीजिए। बाकी सब ठीक ठाक ही है, परिवारों में शांति बरकरार रहेगा। विद्यार्थी के लिए भी आज का दिन शुभ है। आते हैं नेक्स्ट राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन ज़्यादा खास नहीं है। आज ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जो काम आपका पसंद नहीं है, वो काम आपको आज करना पड़ता है। बाकी सब ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट राशि, लिब्रा अर्थात तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप आज जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, सिद्धि मिलेगी आपको। आप अगर विद्यार्थी है तो आपको सक्सेस मिलेगा, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपको सक्सेस मिलेगा।
परिवारों में शांति बरकरार रहेगा, मन में शांति रहेगा, आनंद से ये दिन बीतेगा। आते हैं नेक्स्ट राशि स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग सोचते हैं कि बाहर घूमने जाएं, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप अगर सोच रहे हैं कि आज टिकट कटना है तो आप टिकट भी आप खरीद सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है, आनंददायक है। आते हैं नेक्स्ट राशि सजिटेरियस अर्थात धनु राशि। जो बाधाएं था सब बाधा दूर हो जाएगा, सामने मंजिल बहुत ही करीब है। आप ठंडे दिमाग से सिर्फ चलते जाइए। आते हैं नेक्स्ट राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन ज़्यादा खास नहीं है, अच्छा नहीं है आज का दिन। आज आपका शत्रु जो है वो बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने वाणी में ध्यान दीजिए, अपने कर्मों में ध्यान दीजिए। अच्छे दिन आने वाला है लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है। अगला राशि है मेरा हमारा कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन बहुत ही आनंददायक है। जो भी काम आप करने जाएंगे उसमें ही आपका मुनाफा ही मुनाफा है। मन में शांति कायम रहेगा, परिवारों में शांति कायम रहेगा, शरीर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आते हैं हमारा अगला राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज आपको प्राप्ति योग है। कुछ भू संपत्ति भी मिल सकता है, बकाया रकम भी मिल सकता है। आज अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। आज याद रखिएगा, आज आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, आज आपको प्राप्ति योग है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।